कोरोना वायरस को आधिकारिक तौर पर एक महामारी घोषित किया गया है। जब दुनिया में वायरस को सीमित करने की कोशिश हो रही है, आप कुछ ऐसे सरल उपाय कर सकते हैं जिससे आपके और आपके परिवार के लिए संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। यह पता चलता है कि एक आम भारतीय सांस्कृतिक प्रथा संक्रमण के खिलाफ एक शक्तिशाली सुरक्षा बन सकती है। प्रतिष्ठित न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में कुछ दिन पहले प्रकाशित एक अध्ययन में इस बात पर गौर किया गया कि कोरोना वायरस मानव शरीर के बाहर हमारे घरों, ऑफिसों और दूसरी जगहों की सतहों पर कितनी देर तक जीवित रह सकता है। यह पाया गया कि वायरस स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक पर 3 दिन तक और कार्डबोर्ड पर 1 दिन तक जीवित रह सकता है। लेकिन जो बात वाकई आश्चर्यजनक थी कि वायरस तांबे की सतहों पर 4 घंटे भी जीवित नहीं रह पाया। यह कोई पहला अध्ययन नहीं है जो यह बताता है कि वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करने में तांबा बहुत असरदार है। अमेरिका के अस्पतालों में एक क्लिनिकल परीक्षण में यह पाया गया है कि इंटेंसिव केयर यूनिटों में तांबे की सतहों का उपयोग 97% बैक्टीरिया को मार देता है, जो संक्रमण के खतरे को 40% तक कम कर देता है। तांबा हमेशा से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। हम तांबों के बर्तनों से पानी पीते हैं और तांबे और पीतल की थाली में खाना खाते हैं। शक्तिशाली शुद्धिकारक फायदों के अलावा तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल कई दूसरे तरीकों से भी सहायक है। पानी को जिस तरह से घर में रखा जाना चाहिए उसके लिए एक पूरा विज्ञान है कि इसे कैसे रखें, किस तरह के बर्तन में रखें, इसे कैसा बर्ताव करें। पूर्व में पारंपरिक रूप से कोई भी पानी को बिना शीश झुकाए उसे नहीं पीता, क्योंकि पानी आपके अंदर किस तरह का बर्ताव करता है ये इस पर निर्भर करता है कि आप उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। पानी जिस तरह की याददाश्त और बुद्धिमत्ता रखता है, और पानी का हर अणु और पानी का हर स्रोत बहुत अलग अलग होता है, और ये आपके भीतर कैसा बर्ताव करता है वो भी बहुत अलग होता है। हो सकता है वो हर चीज बस H2O हो, लेकिन ये हमेशा एक ही तरह बर्ताव नहीं करता। तो पानी के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए? बहुत सी तमाम वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, हम इसे भूत शुद्धि प्रक्रिया कहते हैं। ये लोगों को सीखने और समझने के लिए एक विशाल विज्ञान है, लेकिन अगर इसे बहुत ही आसान तरीके से कहें तो आप पानी को रात भर या लगभग 6 घंटे तांबे के बर्तन में रखने के बाद उसे पिएं, तो आप देखेंगे कि पानी बहुत अलग महसूस होगा और तमामों छोटी मोटी बीमारियों को जो लोगों को हैं, पानी को बस एक उचित स्थान पर रखकर ठीक किया जा सकता है। उपयुक्त स्थान का मतलब है कि वहाँ पर्याप्त खुली हवा हो, और सबसे बढ़कर कि आप उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, आपकी भावनाएं, पानी के बारे में आपके विचार, और इस बारे में सचेतन होना कि मैं अभी जो कुछ भी हूँ उसका ये एक मुख्य घटक है। ये कोई साधारण पदार्थ नहीं है, ये जीवन निर्माण करने वाली सामग्री है। अगर आप इसके प्रति जरूरी आदर रखते हैं, उचित शब्द के अभाव में मैं आदर या पानी के प्रति प्रेम या पानी के प्रति उल्लास महसूस करने का प्रयोग कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि पानी आपके भीतर बहुत ही अलग तरह से बर्ताव करेगा। उनके पीने के पानी को बदलने से और उसे वे कैसे पीते हैं, उससे कई लोगों को मैंने पुरानी बीमारियों से उबरते देखा है।